बहुत रोना है, हम तो भी वीडियो में देख रहे हैं जी, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमें वीडियो मत बनाओ तुम, हमें शर्म आ रही है। इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा, दो दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर बजरंग दल प्रांत गोरखपुर प्रमुख बजरंग दल हरियाणा से। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं, हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे। पड़े वे हंस रहे हैं, उसे हंसी आ रही है, हम रो रहे हैं, हमारे घर पोते हैं हाथों को जोड़ रहे हैं, भैया मत फोड़ो, प्लीज मत फोड़ो, उसने नहीं माना। बने बने मकान फोड़ दियो गरीब के, कितने धोखा, आदमी कमियारा मर गो, वो कमियारा बालक, हल्की सी बालक को कैसे कर लेगा भैया, कैसे मकान बनाऊंगा, कहाँ ने नोट धरो तोलू, कहाँ बनाऊंगा मकान। एक शाम को बंदा कुंडी लगा के जाता है कि चलो सब ठीक है, घर जाता है वो चैन से सोने के लिए, खाने पीने के लिए। सुबह आके देखता है कि उसका तो मकान ही उजड़ गया, खेती बाड़ी उजड़ गई, उसका तो जो रोजगार है वो ही छिन गया, तो बंदा क्या कहाँ जाएगा, कैसे खाएगा, क्या पिएगा। जो घटना सर मेरे साथ में हुई है, अल्लाह करे किसी के साथ ना हो। गरीब आदमी कैसे कैसे अपने पेट पाल रहा, किसी भी भाई गरीब मजदूर भाई के, बहरहाल किसी का भी मकान है, अगर जो दोषी है तो उस दोषी को पकड़ो, गरीब आदमियों की आत्मा को क्यों सता रहे हो। हमने तो पहली बार देखा है, किसी ने कुछ बताया भी नहीं भाई मकान क्यों टूट रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं। तो अचानक से आए पूरी फोर्स, मेरा मकान तोड़ दिया। मैं इसमें सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे को 14,000 रुपये मिलते हैं। आज अगर जो हिसाब लगाओ 14,000 में पूरे बच्चों के कपड़े भी नहीं आते सर। जब तो उन बच्चों कुछ मेरा आता था, कुछ बच्चा चाय की दुकान करता था, एक भुट्टे के रेहड़ी वगैरह लगाता था, तो धीरे धीरे पालन पोषण हो रहा बच्चों का, एकदम सड़क पर ला दिया। 31 को हमारा बच्चा ही नहा ही ना, जब झगड़ा हुआ है रात में, कोई ड्यूटी पे से आ गया है, कोई दिन में आ गया है, कोई अलोर से आ गया है, सुनो जी बात, कोई दूध दे के आ गया है, आराम से आके सो गया रात को। सुबह मतलब 5:30-6 बजे पुलिस ने उठा लिया, ना जाइए सो तो उठा लिया, उन्हें कोई उठाने की बात ही ना करी। अगर भाई हम तो जैसे उठाता गया गाड़ी में गिर गया, हम तो उन्हें मिलन भी ना दिया 4 दिन। तो अरेस्ट अब तक हुई हैं, उनमें 160 मुस्लिम्स हैं, 4 हिंदूज हैं। जो 4 नॉन मुस्लिम्स हैं उन पे जो सेक्शंस हैं बहुत लाइट हैं, और जो इधर अरेस्ट हुई हैं उनमें इधर 302 और 307, रेस्ट ऑल ऑफ द वायलेंस एंड ऑल, तो वो सेक्शंस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन दोज हु हैव बीन डिटेन्ड, दे रिपोर्टेड वेरी क्लियरली कि उनके साथ में कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, फिजिकल टॉर्चर उनके साथ में हुआ है।
बोल रहे मुसलमान को छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे सबको। नहीं बाजार जा पा रहे, ना कोई आदमी है जो दिखा लाए हमारे साथ नूह चल दे। ये बोल रहे हैं कि हम आदमी को देखते ही पकड़ लेंगे, मुसलमान को ये बोल रहे हैं, इसलिए बाहर हैं हमारे आदमी। बहुत आदमी 250 से ज्यादा, बहुत आदमी मारे, हमारे खेत भर गो या दाग भर गो तटी नुआ नुआई आए नको नकोरे लिकार सामान इतना आधो लिकार सामान इधर 30 रुपये कोठा का सामान फोड़ दे सारी दबा दियो। कहने को तो कुछ भी कहती है पब्लिक कि यहाँ से पत्थर फेंके गए हैं, यहाँ दंगा हुआ है, यहाँ से निकल के गए हैं कि उसके बेस पे तोड़ रहे हैं, या फिर एक चीज़ और नाम दे रखो कि ये अवैध है। अवैध अवैध चीज़ के हमें कुछ प्रूफ तो दे दो कि ये इस बेस पे अवैध है। हमने एक दिन पिला पहले शाम को बुला के पटवारी से मपवा के ये चीज़ प्रशासन को दिखाई है कि ये भाई हमारी इतनी जगह है, अवैध है, वैध है बिल्कुल। वो माप के गया है, प्रशासन के बोल के गया है कि ये भाई वैध है, इसको हाथ ना लगाया जाए। फिर भी वो लोग खुद की नहीं सुन रहे हैं तो हम किसके सामने क्या बोल सकें, किसको पेपर दिखाएं, कौन पेपर देख रहा है। हरियाणा की गवर्नमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये जो पूरी एंटी इनकम्बेंसी थी अपकमिंग इलेक्शन के लिए, ये पॉलिटिकली कन्वर्ट करी गई। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेल्योर है कि वो सब कुछ जानने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर सका। बट सम हाउ इफ़ यू से इन अदर वर्ड्स कि ये पुलिस का सक्सेस है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के एजेंडा को पूरा किया और एक कम्युनल वायलेंस होने दिया। यहाँ पे पहले भी शोभा यात्रा काफ़ी निकली और कांवड़ यात्रा भी 15 दिन पहले निकली। आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में, मेरी 56 साल की उम्र हो गई, मैंने अभी आज तक कुछ नहीं देखा। हमारे गांव के किसी बच्चे ने ना कोई पत्थर फेंका। मंदिर में शोभा यात्रा होती है, भंडारा होता है, सारा मिलजुल कर रहते हैं, पर अचानक क्या हुआ क्या नहीं होता, ये तो जान पूछ के किया हुआ सर। आज हम 30-50 साल ही बसात रहे भैया, जाने से कुछ भी ना खबर आई, जल फोड़ोंगे ना फोड़ोंगे, रहे लो जिग ना कहाँ रहोंगे भाई, बूंद बारिश भाई सामान पड़ो बता, नाज पानी भीतर घाल दे भाई टंकी में सो, नाज खवान लाए कहाँ कहाँ मोल है, तोर पैसा दे लेना है हाथ में। डर है सर, मेरा ये बच्चा बड़ा बेटा मोहम्मद कासिम नाम है, सेक्रेटरी में दिखा लाए हूँ, उसके खौप बैठा हुआ है, वह बिल्कुल उसके चलना हलना बस की नहीं है। कल भी मैं कॉलेज में हॉस्पिटल में दिखा लाया हूँ, 10 कदम की दूरी पे चल जाता है फिर बैठ जाता है, जैसे तैसे उसे मैं हॉस्पिटल तक लेकर आया हूँ। यहाँ पे गोली दवाई भी रखी है सर उसकी सारी कुछ, तो सारे बच्चे डिप्रेशन में घबराए हुए हैं। जब हमारा बच्चा हाई ना 31 तारीख तो झगड़ा हुआ 9 में, कोई बच्चा ना था हमारा 9 में, एक भी ना गया, लोकेशन निकाल लो मोबाइल है सबन पे। जितनी भी ये दुकानें हैं, ये वाली दुकानें हैं इस तरफ की या इस तरफ की जो मेरी ये दुकानें हैं, इनमें सब में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अगर प्रशासन पत्थरबाजी को देख के तोड़ रही है मकान के पत्थर फेंके गए, वो चीज़ देखे पहले, वो संतुष्ट तो करे अपने आप को कि यहाँ से वास्तविक में पत्थर फेंके गए या फिर ऐसे ही किसी ने बोल दिया और हम बुलडोजर लगा दें इसमें। अब इसका मोटिव या फिर राजनीति, इसके बारे में इतनी नॉलेज तो हमें है नहीं क्या इसके पीछे, ना तो इतने राजनीति को हम जानते हैं। हमें तो बस ये पता है कि हमारा बना हुआ रोजगार, हमारा बनाया हुआ आशियाना वो उजड़ गया है, अब हम रोड पे बैठे हैं।